कभी-कभी कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ जाती हैं जिस पे विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जी हाँ, ये तस्वीरें बिल्कुल सही हैं। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपने शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को जब ससुराल वालों ने पकड़ लिया तो फिर बवाल मच गया, और इस बवाल के बाद गांव वालों के सामने ही दरिया दिल ससुराल वालों ने बिना कोई सजा दिए उस प्रेमी और प्रेमिका को मिलाने का फैसला कर लिया। और फिर क्या था, फिर भरे समाज के बीच मंगाए गए माला, जिसे जयमाला कहते हैं, और उस जयमाला को एक दूसरे को दिया गया कि एक दूसरे को आप पहनाओ और फिर इसे अपने घर लेके जाओ। हुआ ऐसा ही, और फिर वहाँ ससुराल वालों ने गांव वालों के सामने उस प्रेमी को एक माला दिया और दूसरी अपनी बहू को माला दिया, और फिर उसे एक दूसरे को पहनवाया और फिर गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसा बताया जाता है कि युवक होली के दिन अपने शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जिसकी जबरन शादी कर दी गई थी, वो किसी और से प्यार करती थी, और वो पहुंचा अपने शादीशुदा प्रेमिका से मिलने और उन दोनों को पकड़ लिया रंगे हाथों गांव वालों ने और ससुराल वालों ने। फिर क्या था, फिर दोनों को भरे समाज के बीच जयमाला पहनाकर, यानी माला पहनाकर शादी कर दी गई और दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। तो ये पूरी तस्वीर बसंतपुर के पास की बताई जा रही है, जो सिवान जिले में पड़ता है, और ये लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर देखिए और देखिए कैसे दरियादिली दिखाई है ससुराल पक्ष ने, और गांव वालों ने कोई सजा ना दी और दो प्रेमी जोड़ा को मिला दिया। बड़ी माता आप थोड़ा घीच वाला घीच वाला मने नहीं क्या भाई, अरे बाप रे, ये आगे मेरा अभी बड़ी भाव में मौत भाई मारी ले चलो उसका पूछ आगे मेरा तू का है मेरे को ले रहा है बोल ले रहा है तो मत बोल ली खत्म हां बंद करो भाई नहीं खेलो।